आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लगाए अधिकारियों को फटकार। सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए जितेंद्र प्रसाद पहुंचे थे, मौके पर अधिकारियों की क्लास लगाई। गड़बड़ी मिलने पर अफसरों पर कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पहुंचे थे, कई खामियां पाई जिसके बाद अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। गड़बड़ी मिलने पर अफसरों को कार्रवाई के संकेत भी जितेंद्र प्रसाद ने दिए हैं। जितिन जी, आज तो आपका नायक अवतार दिखा, आप तो मौके पे पहुंच गए, अधिकारियों को बहुत डांट लगाई है। नहीं, बिल्कुल, ये सरकार की प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये भारी बारिश जो अभी हुई है इससे सड़कों का काफ़ी नुकसान है। तो प्रयास यही है कि पूरा विभाग युद्ध स्तर पर, जमीन पर, धरातल पर उतर के सड़कों को सुदृढ़ करे। बहुत बड़ी चुनौती है, मगर चुनौती स्वीकार है और प्रयास कर रहे हैं की सड़कों की व्यवस्था बिल्कुल सुधार दी जाए। हमें देखा आप जब गए तो आपने कहा कि भाई मशीन लाओ, फिर गड्ढे वहाँ पर होल भी किया, वो सैंपल भी कलेक्ट कराया, उसको भी जांच कराया। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो सरकार की है उसके तहत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, और अगर कहीं कोई अनियमितताएँ होंगी सड़कों के बनने में तो किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। हमने देखा आपने सड़कों की नपाई भी कराई, कागज में कुछ और था और एक्चुअल कुछ और मिला। बिल्कुल, जो वहाँ जांचें हुई हैं विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट के बाद जो भी उसमें कमियां पाई जाएंगी, अगर जवाब सही नहीं आए और उसमें कोई कमियां हैं तो कार्रवाई होगी। ये आपने सुना क्या कहना है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जांच हुई है इसी तरीके की चीज़ें आगे भी जारी रहेंगी, अलग जिलों में भी जारी रहेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या मुझे प्रमोद के साथ अंदर शुक्ला गलत है। उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चल रहा है। 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य है और उससे पहले आज खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद लखनऊ की सड़कों पर जितेंद्र प्रसाद उतरे हैं और वो सड़कों की इस गुणवत्ता को देख रहे हैं कि सड़कें किस तरह से इनको ठीक किया जा रहा है, किस तरीके से अगर हम कहें तो जो पैच वर्क है वो किया जा रहा है या फिर जो गड्ढे हैं उनको भरा जा रहा है, किस तरह से सड़कें नई बनाई जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए खुद सड़क पर उतर गए हैं, कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री भी हैं और इसीलिए दो दो जिम्मेदारी है, दो दो भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। महंकेश्वर शरण सिंह भी हैं, वो भी प्रभारी हैं लखनऊ के, राज्य मंत्री हैं, वो भी साथ में हैं। अधिकारियों को यहीं बुला लिया है, सीधे जहां पर वो खुद जांच करने के लिए पहुंचे और उनसे जांच करा रहे हैं। सड़क में हमें जो दिख रहा है कि अभी फिलहाल एक होल किया जा रहा है और किस तरह की क्वालिटी है सड़क की, ठीक ढंग की क्वालिटी है या नहीं है, ठीक ढंग का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, लगातार साथ रहा था। और अभी आप देखिए लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों से हर एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, जो हम क्या अधीक्षण अभियंता हैं, जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये राजधानी लखनऊ की जो सड़क है, जो नेशनल पीजी कॉलेज के ठीक सामने, वहाँ पर ही इसकी गुणवत्ता जाँचने के लिए उतरे हैं। कोशिश यही है, मैसेज देने में जुटे हैं शायद पीडब्ल्यूडी मंत्री कि अगर सड़कें ठीक नहीं बनेंगी तो मंत्री खुद सड़क पर उतरेंगे, हर एक चीज़ को जांचेंगे और अगर दोषी पाए जाएंगे अधिकारी तो उन पर कार्रवाई भी होगी। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।